खबर गाजीपुर के जमाने से, जहां क्षेत्र के लोहार गांव स्थित राम व्यास राय ईंटे भट्टे पर बुधवार की रात करीब 1 बजे रहस्यमय परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में सो रहे 3 वनवासी बच्चों में 2 की झुलस कर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 बच्चे की वाराणसी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना में गंभीर रूप से झुलसी 3 बच्चियों की माँ भागीरथी वाराणसी के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं पति बबलू बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। बताया जा रहा है कि दिन भर काम करने के बाद बुधवार की रात बबलू बनवासी अपनी पत्नी भागीरथ और 13 वर्षीय पुत्री पूजा व 7 वर्षीय पुत्र चंद्रिका के अपने झोपड़ी में सो रह गए, जहां रात करीब 1 बजे रहस्यमय परिस्थितियों उनकी झोपड़ी में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलस कर पूजा व चंद्रिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भागीरथी व 4 वर्षीय डमरू इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें भट्टा मालिक बबलू राय ने इलाज के लिए दिलदार नगर स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 4 वर्षीय बालक डमरू के इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं भागीरथी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं गुरुवार को घटना की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण, तहसीलदार आलोक कुमार व कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जिसके बाद पंचनामा भरकर दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बबलू बनवासी चंदौली जनपद के दिग्घी का रहने वाला है, जो 3 माह पूर्व लहुआर स्थित बबलू राय के ईंटे भट्टे पर रहकर ईंट पाथने का काम करता है। तहसीलदार आलोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष के तहत मुआयना प्रदान किया जाएगा। जमाने से आजाद शाह की रिपोर्ट। हेलो मालिक आवेल घरे साफ बात कर फोन मिला के डॉक्टर से भी कह देंगे, हम भी कह देंगे, जो मालिक तुम्हारे के मालिक तुम्हारे वही है, जा रहे थे ऊपर जा रहे सेकंड फ्लोर पे, कहीं सब जा रहे हैं, हम डॉक्टर से बात करा रहे हैं, हम साथ बात करा देंगे, अभी कह देंगे भाई जो भी इलाज अच्छा से अच्छा हो इलाज कराइए, वो इलाज थोड़ा कुछ करना, इलाज मालिक कराए लोग आपकी जितनी ज्यादा से